Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I am your science teacher, Mr. Dazamurt. Students, as you know, that we were uh, studying about matter. <clears throat> In our previous lecture, we discussed about different states of matter and then conversion of matter from one state to another. Like matter can be converted from solid into liquid, from liquid into gas, or from liquid into solid.

द शुगर डिसअपेयर्स इन द वॉटर टेस्ट स्वीट शुगर जो होती है वो पानी के अंदर बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है और पानी का टेस्ट क्या हो जाता है मीठा हो जाता है इसका क्या मतलब है दैट द शुगर हैज़ डिज़ोल्व इन वाटर जो शुगर है वो वॉटर में डिज़ोल्व हो चुकी है ठीक है क्या होता है जब हम एक चम्मच चीनी डालते हैं पानी के अंदर उसको मिक्स करते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है कि शुगर बिल्कुल गायब हो जाती है और पानी को अगर हम टेस्ट करें तो उसका टेस्ट क्या होता है मीठा होता है इसका मतलब है कि शुगर पानी में हल हो चुकी है डिज़ोल्व हो चुकी है दिस इज़ नोन एज सोल्यूशन ऑफ़ शुगर इन वाटर इसको कहते हैं सोल्यूशन ठीक है solution, जब एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड को मिक्स किया जाता है मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड इन टू लिक्विड इज नोन एज अ सोल्यूशन ठीक है क्या होता है सोल्यूशन मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड इन टू लिक्विड इस केस में शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है जब इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है ये देखिए मिक्सचर ये बन चुका है तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं सोल्यूशन और सोल्यूशन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करें तो ही सोल्यूशन बने सोल्यूशन लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करने का नाम भी सोल्यूशन होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इंक है इंक को आप पानी में मिक्स करें तो क्या होगा पानी का कलर सारा इंक uh, के कलर जैसा हो जाएगा तो इंक भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है दैट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन सोल्यूशन कहते हैं कोई से दो चीज़ों के मिक्सचर को सो हाउ यू कैन डिफाइन सोल्यूशन द मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड इन टू लिक्विड और द मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड इन टू लिक्विड ठीक है सॉलिड लिक्विड के अंदर या लिक्विड लिक्विड के अंदर जब मिक्स होते हैं तो दैट इज़ नोन एज सोल्यूशन सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट ठीक है सोल्यूट वो चीज़ होती है जो डिजॉल्व होती है और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो डिज़ोल्व करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर लेट्स से इन इन द केस ऑफ शुगर एंड वाटर सोल्यूशन वाटर इज़ अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज द सोल्यूट ठीक है सोल्यूट क्या है सोल्यूट वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिज़ोल्व होता है लाइक शुगर इन दिस केस ठीक है और सॉल्वेंट क्या है वो सब्सटेंस जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व करता है सो इन दिस केस वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज़ दोल्यूट ओके जब शुगर को वाटर में डिजोल्व किया जाता है वी गेट शुगर सोल्यूशन ठीक है यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि शुगर है उसको वाटर में डिज़ोल्व किया ठीक है तो क्या बन गया हमारे पास शुगर सोल्यूशन इफ़ वी गो ऑन डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर अ टाइम विल कम विन नो मोर शुगर कैन देन बी डिज़ोल्व अगर हम क्या करें वाटर की अमाउंट उतनी ही रहने दें यानी कि एक ग्लास और उसमें हम मजीद शुगर ऐड करें वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी देन अगेन हम उसमें ऐड करें वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी दैन अगेन एंड अगेन हम उसमें शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज करते रहें लेकिन वाटर की क्वांटिटी सेम है ठीक है तो एक टाइम आएगा कि आप उसमें मज़ीद जब शुगर डालेंगे तो वो ऐड नहीं होगी उसी ग्लास में ठीक है जैसे इसमें आप डिज़ोल्व कर रहे हैं आपने एक दफ़ा शुगर उसमें ऐड की वो डिज़ोल्व हो गई सेकेंड टाइम की डिज़ोल्व हो गई थर्ड टाइम की डिज़ोल्व हो गई फोर्थ टाइम की डिज़ोल्व हो गई आप उसको करते जा रहे हैं वो डिज़ोल्व होती जा रही है बट देयर अ टाइम विल कम व्हेन नो मोर शुगर कैन देन बी डिज़ोल्व मजीद शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर उसमें डिज़ोल्व हो चुकी है वो शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी बल्कि वो बॉटम पर सेटल हो जाएगी बॉटम पे बैठ जाएगी ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचूरेटेड सॉल्यूशन क्या कहते हैं इसको हम सैचूरेटेड सॉल्यूशन वी कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर शुगर इन अ सेचूरेटेड सॉल्यूशन इन द सेम वे हम सेचूरेट सॉल्यूशन में मजीद शुगर को ऐड नहीं कर सकते सेम वे का क्या मतलब है कि उसी तरह हम शुगर डाल रहे हैं और उसको हम मिक्स कर रहे हैं स्टिर कर रहे हैं ठीक है थीके? हाँ ये हो सकता है कि अगर हम उस सोल्यूशन को हीट करें उसको गर्म करें तो थोड़ी बहुत शुगर मजीद उसमें ऐड हो जाएगी बट स्टिल देयर अ टाइम विल कम कि मजीद शुगर उसमें ऐड नहीं होगी ये देखिए शुगर सोल्यूशन उसमें आप अगेन एंड अगेन शुगर ऐड करते जा रहे हैं वो डिजोल्व हो रही है और एक टाइम आएगा कि मजीद शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन सो हे योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड नाउ कम टू वर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन इज़ अबाउट रीजनस वोट अ टेक फर द टू एंड अक्रॉस फॉल्स गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर एज वेल नंबर वन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव डेफिनिट शेप्स क्रॉस इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू दैट सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप बट लिक्विड्स डोंट हैव अ डेफिनेट शेप लिक्विड्स की शेप चेंज हो जाती है जैसे एक पानी है वो अगर ग्लास में है तो इट विल टेक द शेप ऑफ अ ग्लास और अगर उसको आप जग में पोर करेंगे तो इट विल टेक द शेप ऑफ द जग सो दैट इज़ स्ट्रॉन्ग पुट अक्रॉस रीजन इज नो बिकॉज लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप नो बिकॉज लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बॉइलिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम इज़ अ केमिकल चेंज दैट इज ऑल्सो रॉन्ग पुट अक्रॉस पानी को जब हम बॉइल करते हैं दैट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज क्योंकि केमिकल चेंज में एक न्यू जो है चीज़ बन जाती है और ओरिजिनल चीज़ वापस नहीं आ सकती जबकि स्टीम को जब हम ठंडा करते हैं तो स्टीम कैन अगेन बी कन्वर्टेड इन टू लिक्विड वाटर सो दैट्स वाई इट्स अ फिजिकल चेंज नो बिकॉज इट्स अ फिजिकल चेंज आल फॉर्म्स ऑफ मैटर हैव फिक्स्ड वॉलीम क्रॉस रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस लेक्चर गैसेज डोंट हैव फिक्सड वॉल्यूम गैसेज को आप जितनी स्पेस प्रोवाइड करेंगे वो उतनी स्पेस पर स्प्रेड हो जाएंगी ठीक है आप हवा को एक बैलून के अंदर भी बंद कर सकते हैं और अगर आप उस हवा को रिलीज़ करेंगे तो जितनी उसको स्पेस मिलेगी वो स्प्रेड हो जाएगी ठीक है नो बिकॉज गैसेज डो नॉट हैव फिक्स्ड वॉलीम Air is not matter since we कैन नॉट सी इट क्रॉस क्या कह रहे हैं कि हवा को हम देख नहीं सकते तो हवा मैटर नहीं है गलत मैटर की प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर का वेट होता है एंड इट टेक्स अप स्पेस वो नज़र आई या ना नज़र आई ये कोई उसकी शर्त नहीं है ठीक है सो इट्स क्रॉस एयर भी एक मैटर है क्योंकि एयर वेट रखती है एंड इट टेक्स अप स्पेस सिंपल सी आप एग्जांपल ले लें आप बैलून के अंदर हवा भरते हैं वो जो बैलून के अंदर जितनी भी जगह है वो किसने फिल की है हवा ने इससे साबित हुआ कि हवा जगह लेती है नो बिकॉज एयर इज़ अ मैटर एज इट हैज़ वेट एंड टेक्स अप स्पेस एनी अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिज़ोल्व इन अ ग्लास ऑफ वाटर अभी हमने पढ़ा कि एक ग्लास पानी में जितनी मर्जी हम शुगर ऐड करें कर सकते हैं नो नो बिकॉज वी कैन नॉट डिजोल्व मच अमाउंट ऑफ शुगर इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ठीक है कि हम सेचुरेटेड सोलूशन में शुगर की मजीद अमाउंट ऐड नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर टू इज़ नेम दिस आपको इसकी पिक्चर भी व्हाट्सएप कर दी जाएगी सो so आपके लिए आसानी हो जाए आप अपनी बुक्सपेस को लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर टू इज़ नेम दिस सॉलिड लिक्विड एंड गैस और द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है सॉलिड लिक्विड और गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम किसकी शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है सॉलिड्स लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती और गैसेस की तो शेप वॉल्यूम दोनों चीज़ें फिक्स नहीं होती सो so, यहाँ पर क्या आएगा सॉलिड्स दे कैन फ्लो बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड्स इन दिस चेंज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज़ प्रोड्यूस्ड केमिकल चेंज ठीक है केमिकल चेंज में एक नई चीज़ बनती है फिजिकल चेंज में नई चीज़ नहीं बनती अ सॉलिड दैट इज़ डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट अभी हमने पढ़ा जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर डिजॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं सोल्यूट अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन भी डिजोल्व सेचूरेटेड सोल्यूशन इट टेक्स अप द एंटायर स्पेस इन विच इट इज कैप्टैस कम टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ इज़ अ केमिकल चेंज डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिजिकल चेंज कैमिकल चेंज फिजिकल चेंज से कैसे डिफरेंट होती है इन अ फिजिकल चेंज सब्सटेंस रिमेन्स सेम एंड डज नॉट लूज इट्स मेजर प्रॉपर्टीज फिजिकल चेंज में सब्सटेंस जो है वो वो ही रहता है सिर्फ उसमें जाहिर एक तब्दीली आती है ठीक है उसकी मेजर प्रॉपर्टीज भी वही रहती हैं जैसे बल्ब का ऑन होना आप बल्ब ऑन करते हो सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है पानी से आप बर्फ़ बनाते हो लिक्विड को आपने फ्रीज़र में रखा वो बर्फ़ बन गई सॉलिड बन गया दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज क्योंकि अगेन आप उस बर्फ को मेल्ट करोगे तो वो लिक्विड वाटर में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है सो यू कैन से दैट इन अ फिजिकल चेंज सब्सटेंस रिमेन्स सेम एंड डज़ नॉट लूज़ इट्स मेजर प्रॉपर्टीज वाई इन अ केमिकल चेंज अचोचली न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ठीक है केमिकल चेंज में बिल्कुल एक नई चीज़ बन जाती है जैसे बेकिंग ऑफ केक आप केक बेक करते हो uh, मैदा है अंडा शुगर मिल्क इन चीज़ों को आप दोबारा केक में से निकाल तो नहीं सकते ना अपनी ओरिजिनल हालत में बिल्कुल भी नहीं सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज क्वेश्चन नंबर फोर इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग फॉलोइंगे आपको कुछ चीज़ें गिवन है आपने इनको सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस वाले कॉलम में लिखना है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल पेपर इज़ अ सॉलिड कप इज़ अ सॉलिड ग्रास आइस क्लोथ ये सारी चीज़ें क्या हैं दीज आर सॉलिड्स जूसेस ऑयल मिल्क पेंट इंक ये क्या है दीज आर लिक्विड्स गैसेस कौन कौन सी हैं एयर इज अ गैस स्मोक इज द गैस स्टीम गैस है ऑक्सीजन गैस है ठीक है आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा इन्हीं चीज़ों में से आपने इनको क्लासीफाई करना है कि विच आर सॉलिड्स विच आर लिक्विड्स एंड विच आर गैसेज लास्ट क्वेश्चन है जी व्हाट काइंड ऑफ चेंज हैपन्स व्हेन यू डिजॉल्व शुगर इन वाटर कि जब आप शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या चेंज होता है वन वी डिज़ोल्व शुगर इन वाटर द शुगर डिसपेयर्स एंड द वाटर टेस्ट स्वीट जब हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं शुगर डिसअपेयर हो जाती है गायब हो जाती है और पानी का टेस्ट क्या हो जाता है मीठा हो जाता है इट इज़ अ केमिकल चेंज ये केमिकल चेंज है ठीक है इट्स नॉट अ फिज़िकल चेंज क्योंकि अब जो सोलूशन बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले से डिफरेंट है सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़